बाबू को देखकर मेरा दिल बाग बाग हो गया। मैंने उनके गले में 20 हार डाल दिए और ये एक हार हुजूर के लिए लाया हूँ। जरा सुनिए, देखिए कितना अच्छा हार है ये। सरकार मक्खन, सरकार तुम जानते हो हम मक्खन लगवाने के आदी नहीं। क्या हार करूँ सरकार, मक्खन तो हर बड़े आदमी की सबसे बड़ी रजा है सरकार, हम छोटी रजा खाते हैं। ये हार पहनकर मेरी इज्जत रख लीजिए सरकार। आज इस खुशी में बस्ती का बच्चा बच्चा नाच रहा है। अजीत के आने की खुशी हमसे ज्यादा किसी को सकती है। वो 7 के बाद अपना तालीम हासिल करके लौटा है। आज तो जवान बेटे को देखकर हमारा बूढ़ा दिल भी जवान हो गया है मैनेजर। बेशक बेशक सरकार, सरकार इस खुशी में मेरी तनख्वाह ही बढ़ा दीजिए। जरूर बढ़ा देंगे, मगर सुनो, कल से बस्ती का तमाम कारोबार
और इंसानी मामलात अजीत से पुर्द कर दूँ और कल ही उसे साथ ले जाकर बच्ची की सैर करा दूँ। हम अजीत से कह देंगे और तुम्हारी तरक्की हो जाएगी। माता जी, काश काश तुम्हारी माँ जिंदा होती, तुम्हें जवान देखकर खुशी से फूली न समाती। माता जी, मुझे अब तक याद आती हूँ पिताजी। हाँ बेटे, मरने वालों की यादें ही बाकी रह जाती। मैं किन बातों में उलझ गया? तुम थके हुए हो बेटा, अब आराम कर लो। कल सुबह अपने मुलाजिम पलटू और मैनेजर के साथ बस्ती में घूम आना। बहुत अच्छा। पलटू बहुत अच्छा नौकर है, ईमानदार भी और वफादार भी। पलटू, पिताजी तुम्हारी बहुत तारीफ करते हैं। मैं तो सेवक हूँ हुजूर का। पिताजी कहते थे पलटू ईमानदार भी है और वफादार भी, लेकिन हम देख रहे हैं कि तुम वजनदार भी हो। कितने बच्चे हैं तुम्हारे? सरकार, अभी तो मैं खुद बच्चा हूँ, बाली उमरिया है, नई नई शादी की है। बहुत खूब। बड़ी मुसीबत है हुजूर, दीदी कुछ बीमार रहती है, मिजाज भी बीमारी की वजह से कुछ चिड़चिड़ाता हो गया हूँ बेचारी का। तुम इलाज क्यों नहीं कराते उसका? सारी तनख्वाह बोल कर देता हूँ सरकार, मैं तो बेचारी के लिए सुरमान मिर्ची कंगी चोटी भी नहीं ला सकता। ये लो, उसके लिए सब कुछ लाओ और उसका इलाज भी कराओ। बड़े दयालु हैं सरकार, मैनेजर मक्खन तो हर महीने मेरी तनख्वाह में से मिठाई के पैसे काट लेता है। मक्खन अच्छा आदमी नहीं, ये हम भी जानते हैं। बड़ा बारीक किस्म का है ये मक्खन। हम उसकी सब बारीकी निकाल देंगे। अच्छा तुम जाओ आराम करो। आपके जूते उतार दो। नहीं पलटू, हम किसी इंसान से ऐसी खिदमत नहीं लेते, हम भी इंसान हैं, हमारे भी दो हाथ। जाओ आप तुम आराम करो, सुबह आना। पलटू भैया, इस नई सिकड़म सोच रहा था, क्या खबर थी आज तुम मुझसे टकराओगे और ये नन्ही मुन्नी बोतल जमीन से टकरा जाएगी। बोतल के पैसे तो तुमसे रखवा ही लूंगा सिकड़मदास जी, पर जवान जुड़वा के जूते कौन खाएगा? अब घबराओ नहीं पलटू, हम तुझे एक नई बोतल ले देंगे। अब मगर ये जोरू और जूते समझ में नहीं आए, जरा अक्षर दिखाना अपना। आई
जूते तो तुझे खाने ही पड़ेंगे। मैं देख रहा हूँ जूते कर जूते और जूतों की लाइनें लगी हुई है परसों, रंग बिरंगे सैंडल, स्लीपर, गुरकाबियां, पिछौरी चप्पल और फौजी बूट। अब भगवान इस समय झूठ ना बुलवाए तो तेरा सारा सरगंजा हो जाएगा पलटू। आया कुछ बुद्धि में? मेरा सरगंजा हो जाएगा? हाँ आ, आ? तेरे पेट की रेखाएं भी साफ दिख रही कि तुझसे तेरी स्त्री के सितारे भी नहीं मिलते, परंतु उसका उपाय भी सख्त जरूरी है। हाँ तो उसका उपाय करो ना तिग्रंदास जी। उसका उपाय करवाना है तो 5 रुपए तो सितारा आने मेरी जेब नंबर 10 में डाल दे। सच कहा है श्रीमान शक्तिवान हकीम शक्तिवीर जी ने, अशुभ कार्य शीघ्रम और देरी हुई तो कृपणम है। यहाँ 5 रुपए 16 आने हैं तिग्रंदास जी। 16 आने एक आने का घाटा भी सही। चलो हाँ, पर मेरी जुड़वा तो कान के दर्द से तड़प रही है। कान के दर्द और घबराने की कोई बात नहीं पलटू, उसके लिए 3 रुपए 3 आने मेरी जेब नंबर 3 में और जाएंगे। परंतु फिर कान और मकान दोनों का दर्द गायब कर देंगे। जरा जल्दी से आ जाए। हाँ नोट है 5 का, 2 रुपए अलग हिसाब से ही चलने दो। हाँ चल पलटू, अब हम कान और मकान दोनों का दर्द गायब कर देते हैं। ना दर्द रहेगा ना मर्द रहेगा। आ जा फिर। हाँ ये सब तेरी लीला है भगवान। सितारे आपस में क्यों सख्त हो रहे हैं? एक हॉलीवुड को जा रहा है और तो दूसरा हनीवास जा रहा है, पर तो ये सितारे जरूर टकराएंगे। जमीन गोल हो जाएगी, धरती सिर लगाकर आकाश पे सवार हो जाएगी पलटू। हाँ मैं मरी, मेरे बम नहीं था। ये भरी जवानी भी कोई मरने का मौसम है। तेरी जगह तेरा पलटू न मर जाए समिया। तिग्रंदास जी जल्दी से कान का दर्द निकालो। शूम शरक और तूम तरक और कान का बेड़ा गरक। शिखर कतल का झाट की डोली, छावकन का तकदीर चले, छर छर की जादू बोले, जब सीने से छावर वाली इंदर की बेटी वर्मा की थाली, अच्छे पानी पछड़े पानी तेरा भजन कभी न जाए खाली। पलट के अपना ध्यान ज्ञान कर लो पलटू। सुबह के समय तक तुम्हारी सुंदरी के कान का दर्द तो शोभ सड़क हो जाएगा, परंतु इसको देखकर अपने मन में शोले चुलकने लगे हैं। जनित चल जाता तिग्रंदास जी, हम अपनी जबान में कहना ये चाहते हैं पलटू कि तुम अपनी जवान जोड़ी को लेकर हमारी कुटिया में आना, फिर हम तुम्हारे दोनों के बिगड़े हुए सारे ठीक कर देंगे। परंतु फिर इसको कोई दर्द मर्द की शिकायत नहीं रहेगी। आया कुछ बुद्धि? हम जरूर आएंगे तिग्रंदास जी, पर जरा अच्छा ही करना, मुझसे प्रेम भी कुछ कम करती। प्रेम की चिक्रम बहुत लंबी चौड़ी होती है, परंतु उसके लिए 16.5 रुपए 6 आने 6 पाई मेरी जेब नंबर 10 में आ जाएंगे। आया कुछ बुद्धि? ये तो बहुत ज्यादा रकम है तिग्रंदास जी। ज्यादा है? अरे बोगले, मोहब्बत के रन वे ट्रैफिक को दोनों तरफ से चालू करना कोई बच्चों का खेल नहीं। 7 रोज लगातार पाप का जाप और जाप का पाप करना पड़ता है, तब जाके बड़ी मुश्किल से लाल पत्ती नजर आती है। आया कुछ बुद्धि? इतनी प्यार रखना, परंतु हम सबके दिखा। जा रही हूँ बेटी। पिताजी मैं दीदी के साथ इसके घर जा रही हूँ। वो इसके हाथ से जाना, वो छोटे ठाकुर जी स्कूल देखने के लिए आ रहे हैं, मैं उन्हें वहाँ से घर ले आऊंगा। तुम जाकर छोटे से रसगुल्ले बना ले, हैं? जाए तेरे साथ ले जा। Thank you.
आइए सरकार, बैठिए। मैं चांदनी यहाँ आओ, अजीत बाबू आए हैं, तुम भी आओ। विजी नमस्ते जी। नमस्ते। नमस्ते। ये फूल आपने बनाए? अरे जी हाँ सरकार, सीरे प्रोने के काम में मेरी बेटी बहुत होशियार है। आप काफी समझदार मालूम होती है। अरे हाँ बेटी, छोटे जागीरदार साहब आज पहली दफा हमारे घर पधारे हैं, इनका मुंह तो मीठा कराओ। शुक्रिया मास्टर साहब, तकल्लुफ न कीजिए। जी मैंने अभी तैयार किए हैं, लीजिए। बहुत अच्छे, बहुत ही लजीज। तो हम तो एक और दिखाएंगे। आ लीजिए। मीठा कुछ ज्यादा है। खाने पकाने के काम में भी माहिर। आप हमारे घर पहली बार से स्वीट लाए हैं, ये रुमाल कबूल कीजिए। इस तरह का शुक्रिया। अच्छा मास्टर साहब आप इजाजत दीजिए। नमस्ते। नमस्ते। मैं तुम्हारे इंतजार कर रहा था। ये लो कामी की तस्वीर, अब कमरे में रखो। तुम्हारी तरह तुम्हारी मंगेतर भी पढ़ी लिखी और समझदार है। तुम्हारे आने की खुशी में कामी और शेर साहब को शरीक न होने का बहुत अफसोस है। ये लो बेटा। वेरी गुड, तुम आ गई बिटिया। मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी। क्यों? आज तो मुझे अपनी सहेली इंदिरा के साथ शॉपिंग के लिए जाना है। वेरी गुड वेरी गुड, शौक से जाओ और हम इनको पानी पिलाएंगे। कामी बात सुनो। बैठो। मैं तुमसे कुछ कहने वाला था। क्या कहने वाला था? हाँ, ठाकुर साहब ने इतला भेजी है कि अजीत अब बस्ती का काम संभाल चुका है। अजीत और कामनी की शादी की तैयारियां जल्द शुरू कर देनी चाहिए। वेरी गुड वेरी गुड, शर्मा गई मेरी बिटिया। हाँ देखो बिटिया, अजीत हम लोगों को मिलने के लिए आने वाला है और तुम जवान जाने के वेरी गुड हो गई हो, इसलिए ज्यादा देर घर से बाहर मत रहा करो। बड़े आदमी ऐसी बातें नहीं सोचा करते। वेरी गुड वेरी गुड, हम कब सोचा है। अच्छा जाओ बिटिया जाओ, हम इनको पानी पिलाएंगे। ओके चाचा। चाचा चाचा। हेलो दिली। बहुत देर लगा ली आपने। उदास हो गए? आहा वेरी गुड वेरी गुड।
वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड देर से बेटी दादी मेरी पहले तो आना नहीं देती थी बड़े मुश्किल से पीछा फिरा कर आई हूँ वेरी गुड नो गुड ऐसी सहेली को गोली मार देनी चाहिए दादी भैया आप कितने में देर थी नहीं जाने तेरा सुहाग बना रहे अपने गोरे गोरे हाथों से फिल्म को भर के खिला दे आज लगे तेरी फिल्म को मेरा तो नाक में दम आ गया तेरी फिल्म तेरी फिल्म का छिड़क तो मुझे अच्छा नहीं लगता अरे दुनिया में हर कोई धरती है कोई फिल्म का धरती है कोई फिल्म का धरती है कोई फिल्मन का धरती है का धरती है धन वाले धन के धरती है धन वाले धन के धरती भगत लोग भगवान के धरती और रण वाले रण के धरती मेरी तरह सारे धरती है धरती कुल संसारा और सुन छमिया सुनाल के भीतर भी पकराग हमारा इस दुनिया का हर अपताना हो इस लड़का इस लड़की है इस लड़का इस लड़की है मैं भी खर्चू तू भी खर्चू मैं भी खर्चू तू भी खर्चू सारा जमाना खर्चू है इस दुनिया का हर अपताना इस लड़का इस लड़की है मैं भी खर्चू तू भी खर्चू मैं भी खर्चू तू भी खर्चू सारा जमाना खर्चू है इस दुनिया का हर अपताना इस लड़का इस लड़की है कल युग है जग ही सरकी है धनी राम भी निर्धन भी ओ कोई आन बान का ठरकी कोई भी पान का ठरकी है कहत कबीर सुनो भाई पलटू समिया से ये कह दो अरे क्या
तू भी सरकी मैं भी सरकी, तू भी सरकी मैं भी सरकी, सारा जमाना सरकी है, इस दुनिया का हर अफसाना इस तरह सरकी है। कल तो दिया था, आज भी ये भूखा बेच तेरे हवाले। भगवान मेरी इतनी बड़ी दुनिया में और कोई जुए बाज है, कोई बच्चेबाज है और कोई कबूतर बाज है और कोई छट्टेबाज है, सब कोई अपनी अपनी बाजियां लगाते हैं। भगवान आज भी सबको देता है, अपनी भी बच्चेबाजी तेरी भी कृपा से चलती है। अब भगवान भगवान अकल के और गांठ के बच्चों को सलामत रख और अपने झूठे में तरक्की दे। भगवान आया कुछ बुद्धि नन्ने, ओ नन्ने कहाँ मर गया है? राजगुरु रहता इतनी सी बात भी याद न रहती है, तेना कभी तो उसको तपस्या पर बैठा था मेरा यार। अब यार से बच्चे दरवाजा खोल, कोई दरवाजे पे बेवकूफ आया है क्या? ये बात हाँ जरा जल्दी से। रघुरु जो अपने भेड़ खूब दिख रहे थे, अरे यो तो घर घर सुंदर सी बीरबाड़ी लिए फिर मेरा यार। सनिया कहो कहो, अब कान का दर्द कैसा है सनिया? कान का दर्द तो ठीक हो गया। रा गुरु अरे तेरे वेद को पीछे हो गया रे, या कान का दर्द ठीक कर लाग रहा था? अबे उल्लू के पट्टा तो सहारा ही हो और तो फिर चुप बैठा। सनिया लाओ फिर आज तुम्हारी जुखा ही देख जाने, और जरा पैर दिखाना अपना पैर, स्त्री का पैर दिखा जाता। आदमी मत रेखा क्या कहती है, इलम रेख सितारा बन सुंदरी अति सुंदरी, अब मंगल के समय जल भरने गई और अच्छी झपट लिया। सोच भी कुछ हो रहे एक पर वो जानता कुछ हो रहे, लाख हाथ पैर मार दी है एक पर प्रेमी को मिलने का सरबंध नहीं बनता। इस तेरे नशों में एक चार भर है, दोषी की पल पोकेगी और दोषी रहेगी किधर किधर, उसके तेल मलाकू खींची मीठी टीची मीठी खींचते 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 आज जब पूर्व तलाव पूर्व भूत में आ जाए तो समझ हमल में आ जाता है। उधर शनि शेर की सवारी पर इस सोने का वर्ग लेके सोमवार वाले दिन शक्कर फाग से तेरे साथ में करने आ बैठा है। इसका ये मकसद कि किया अच्छी से सितारे झीलने वाले पलटू निकाल से रुपए सियाने से पाई और डाल मेरी जेब नंबर 10।
सच कहा है श्रीमान शक्तिमान हकीम शक्ति अर्जुन ने, शुभ कार्य शीघ्रम और देरी ही तो गड़बड़म। ए आ, 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 आया कुछ बुद्धि? आया आया आया। र गुरु र तना तो दाम चढ़ गया घने जोर का, अरे कुछ हमारा भी ख्याल करना। अबे उल्लू के पच्छा तो आप करो सुन पर, तुम फिर चुप क्यों नहीं करता? आज दिखता नहीं मैं जाप का पाप और पाप का जाप कर रहा हूँ। विक्रम दास जी अब तो ये मुझसे प्रेम भी करेगी ना? अच्छा गोल गप्पा हमको बोला गप्पा अब पलटू ये तुझसे प्रेम करेगी और जरूर करेगी और तेरे बाप से भी करेगी। आया कुछ बुद्धि? तो निकाल फिर 6 रुपए 6 आने 6 पाई और मेरी जेब नंबर 10 के लिए। आहा सच कहा है श्रीमान शक्तिमान हकीम शक्ति अर्जुन ने, शुभ कार्य शीघ्रम और देरी हुई तो गड़बड़म। विक्रम दास जी ये 5 है। 5 है और तो फिर ये जो नंबर 1 में जाएंगे आप पलटू। अरे तू बहुत दयालु है, मेरे हाथ की रेखाएं बताती है। गुरु एक बात है, मैं भी तो तनख्वाह तेरे घर लोग से झूठ बोल लू रामा भी तो कोई हक है रामी जेब को भी कोई नंबर 10 लगवा दे। और वो नंबर 10 तो तुझे पुलिस लगाएगी। तेरे हाथ की लकीरें बता रही हूँ तो तू प्रेम करेगी और वो भी तुझसे प्यार करेगा। वो कौन? वो ही जो रसगुल्ले खाकर अब तक जुबान चाट रहा है और रात के अंधेरे में है चांदनी करता रहता है। फिर लगा अच्छा आ जाओ मैं तुम उठ दी। उल्लू उल्लू छोटे सतार उल्लू पहले मुझे बता फिर मास्टर को बताना। अरे क्या हुआ चांदनी? हेलो मैडम क्या खबर थी चांदनी? मेरी गोली का निशाना तुम बनोगी, मुझे बहुत अफसोस है। तो आप हैं जीत बाबू, बंदूक की गोली से प्रेम शिकार किया जा रहा है। जियो छोटे ठाकुर जियो, देख ली जाओ। जख्म हमसे हुआ है, तकलीफ ही हमें करनी चाहिए मास्टर साहब। तो ये आखिरी पट्टी होगी? जी हाँ। सरकार मुंह बड़ा बात छोटी, माफ कीजिएगा सरकार बात बड़ी और मुंह छोटा, लेकिन आपकी इज्जत मुझे अपनी जान से भी ज्यादा अजीज है। साफ साफ कहो मैनेजर, क्या खतरा है हमारी इज्जत को? सरकार अजीत बाबू बस्ती के लोगों पर जरूरत से ज्यादा मेहरबान होते जा रहे हैं। लोगों से लगान तक माफ कर दिए सरकार, और तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। हम जो काम उसके पुरुष कर चुके हैं उसकी अच्छाई बुराई वो खुद समझता है, हमें उस पर एतमाद है। ये तो मैं भी जानता हूँ सरकार,
लेकिन मैं तो अर्ज करना चाहता हूँ कि अजीत बाबू ने मास्टर प्रेमनाथ के लिए नया मकान बनवाने का हुक्म दे दिया है। मास्टर साहब की खिदमत करना हमारा और बस्ती वालों का फर्ज है। वो कौम के बच्चों को तालीम के जेवर से आरास्ता करते हैं, उनकी रिहायश का माकूल बंदोबस्त होना ही चाहिए। हजूर माई बाप, मैं दरअसल कहना ये चाहता हूँ कि मास्टर की छोकरी चांदनी अजीत बाबू पर डोले डाल रही है और अजीत बाबू भी उनसे प्रेम करने लग गए। मैनेजर सरकार, तुम होश में हो, हम ये हरगिज बर्दाश्त नहीं करेंगे कि बस्ती की कोई लड़की हमारी इज्जत से खेलने के सामान पैदा करे। हुजूर, अजीत बाबू हर रोज मरहम पट्टी के बहाने चांदनी से मिलने जाते हैं और उससे प्रेम की चींगे बहाते हैं। सरकार, हम इससे ज्यादा नहीं सुन सकते। हम सब कुछ अपनी आंखों से देखना चाहते हैं और अगर ये झूठ निकला तो हम तुम्हारा सर कुचल देंगे। मैं हुजूर को सब कुछ दिखा दूंगा। अरे पलटू, बैठो। क्या बात है पलटू, आज कुछ तुम खुदा, अरे अगर रुपया पैसे की जरूरत हो। पलटू जी, पलटू तेरी तो किस्मत ही फूट गई। सुनेगा तो तड़प उठेगा पलटू। अरे 7 रोज तक मैंने जाप का पावर पाप का जाप किया है, अब परंतु तेरे सितारे दूर दूर तक नजर नहीं आते। क्या हुआ तिरंदा, होना जो कुछ है वो तो हम बताते हैं, लेकिन 7 रोज के जाप की मुबलिक 5 रुपए मोहब्बत वाले खाने नंबर 10 में और डाल। एक है तो फिर बड़क है, वो 1 नंबर में डाल दे। पलटू, हमने 7 रोज तक तेरे लिए जाप किया है, यकीन नहीं आता तो हमारे चेले अलगू से पूछ ले। अलगू, ओ अलगू, अबे अलगू के बच्चे, उसके बता हमने जाप किया है। भाई मरे से खबर करे जाप की, तने तो यो बात मरे सिखाई थी कि पलटू से कह देना गुरु 7 रोज तक जाऊंगा है। तो मैं कह देता हूँ, सुन रहा भाई पलटू, बड़े गौर करके गुरु जी 7 रोज तक धनी खातिर स्वस्थ ही रहा। हाँ, मैंने सोकर जाप किया है और फिर जाप का पाप किया है पलटू। हाँ पलटू, अब पलट के ध्यान सुन ले पलटू, और तुझे दुबला पतला और सूखा हुआ देखकर अब मैं समझता था अब से तुझे भगवान की कृपा से दिख। लेकिन जाप करने से पता चला अब कि तेरी बीवी छमिया औरत नहीं बल्कि भूतनी है। भूतनी क्या था? भूतनी भूतनी कोई ऐसी चिगड़ उड़ा ला सके या भूतनी मने से मर जाए। अब उल्लू केस पर छा रही है तो फिर बीच में क्यों बोला करता है और उस ताज की बात में टांग फंसाता है। हाँ, कदा कहीं का। अब पलटू, घबराने की कोई बात नहीं है, हम एक बात कहें वो करना। अब वो ये है कि सुबह के समय तुम अपनी छमिया को हमारी कुटिया में भेजे है और तुम खुद आंखें बंद करके वो अपना चुंडा शहतूत है ना, और वहां से 7 पत्ते तोड़ कर लाना। अब पलटू, देखना रस्ते में आंखें न खोलना, अगर तूने आंखें खोली तो सारी चिकड़म अब पलट हो जाएगी। आया कुछ बुद्धि में? आया आज तो फिर अपना अलगू, अब इसको शहतूत वाला रास्ता दिखा। आया कुछ बुद्धि? गुरु दीजे तो कार्ड, देख कौन आए, देख कौन आए। गुरु रब एक बात है,
यो बीरबानी घड़ी सुंदर है र तने इसका काम कर दे। एक बात है, जो तू काम ना करे तने फुर्सत लाओ तो मैं कर दू। अबे उल्लू के पट्टा तो तहरा हूँ मैं। अबे तो काम करने के लिए हम जो यहाँ बैठे हैं। मुझे तो पलटू ने भेजा है तुम दादी। पलटू ने भेजा है? हाँ 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 समझ गए। पत्नी और सूखी सूखी देखकर अब मैं सोचा करता हूँ एक भगवान की कृपा से तुझे दिख है और जाप करने से पता चला है एक तेरा खत्म जिसका नाम पलटू है, जिसकी बाप का नाम मलटू है और वो आदमी नहीं आप भूत है। क्या कहा? आप मैं तो मर जाऊंगी तुम दादी, मुझे भूत से बचा लो। अरे सनिया, जब तक विक्रम है वो तुझे नहीं मरने देता, तुझे हम जरूर बचाएंगे मगर जो हम कहेंगे वो करना होगा। कर दूंगी विक्रम दादी। जरूर करोगी? हाँ। और तो फिर यूं करना कि आज रात को सोते में अपने खत्म का अंगूठा चूसना, अगर उसका मजा जरा नमकीन हुआ और तो समझ लेना वो भूत है। हाँ। मैं आज ही उसका अंगूठा चूसूंगी विक्रम दादी। हाँ। जरूर चूसना। क्या बात है? ये ले मम्मी रेती फैलाई और इससे वही मंत्र जो तुझे बताया था पढ़कर किसकी आंखें खोल दी। लो लो जल्दी से। महादेव की रगन जगन पहचान तू। अरे अलगू के बात? अरे इसका फोकस तो ठीक कर। भीलो? हाँ। अरे इन चीजें तो गड़बड़ चलेगी, रोड चलेगी तो ताजरा। लो ठीक हो गया। पलटू पत्ते ले आया। अल्ले फिर आज रात को अब मैं इन पर जाप और जाप का पाप करूंगा, तब विक्रम जमे। आया कुछ बुद्धि? आया। और हाँ, आज रात की छोटे वक्त और झूठ मूठ जोर जोर से फराटे लेने शुरू करना और श्री समिया तुझे सोता समझ कर तेरे पास आकर और तेरा अंगूठा जब चूसे और तो तू समझ लेना कि वो औरत नहीं भूत नहीं है, है? और फिर जब तुझे यकीन हो जाए कि वो भूतली है तो आठ रोज तक घर में नहीं सोना, अब बाहर सोना है। आया कुछ बुद्धि में? विक्रम दास जी, मैं ऐसा ही करूँगा। ऐसा नहीं करेगा और तो विक्रम की फिक्र कैसी जगेगी? पलटू यो बात ये फूल चांद सितारे जो मुझको प्यारे हैं, समझ रहा हूँ कि सब रंग ये तुम्हारे हैं। हसीन सब है, जमाना भी सो गया, बुलाए लेने को देता चांद तारे हैं। अजीत बाबू। अरे तुम घबरा क्यों रही थी? जमाने की नजरों से खुद से मिलते हुए इधर जाना ही पड़ता है। बहुत मुश्किल। बुझ दिल तो नहीं हूँ अजीत बाबू,
सर आने वाले वक्त से तो सबूत थे, न जाने मेरा दिल क्यों कांपने लगता है। तकलीफ अंदेशा किस बात का, जानती हूँ मैं इस बस्ती का मालिक, इसीलिए तो डरती हूँ कि तुम बस्ती के मालिक हो। तुम अमीर बाप के बेटे, मैं गरीब बाप की बेटी, उस बात की जो तुम्हारे रहम करम पर अमीर और गरीब में मोहब्बत हो जाती है लेकिन परवान नहीं करती। मैं अपनी मोहब्बत को परवान चढ़ाऊंगा चांदू, मैं मोहब्बत को हमारे सर कुर्बान नहीं होने दूंगा। तिक्रम की तिक्रम कभी झूठी नहीं होती है। सोमवार और शनिचर की मिली जुली रात को तेरे घर आकर पाप का जाप और जाप का पाप करूंगा, अब परंतु उसके लिए एक रुपया मेरी जेब नंबर 3 में डाल दे। आया कुछ देखी है? मरा भी तो बैठा छू, ले 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 और तू भी ऐड कर। मरा सुन भगवान, बस बस समिया सब ठीक हो जाएगा। समिया इतनी सुंदर बात होती भगवान तेरे और मेरे सितारे मिला देता। समिया इस पलटू से तेरे सितारे कभी नहीं मिल सकते। तू मशरिक वो मगरिब, तू नमी सी अंगीठी और वो MWR का इंजन, अब भला तेरा उसका क्या जोश। समिया देख, समिया मेरी आंखों में झांक के देख, तुझे इनमें प्यार और प्रेम की चमकती हुई बिजलियां नजर आएंगी। हरा गुरु, ये बिजलियां वाली बात तो तने पहले भी कई बीरबाणियों से करी, मैंने तो आज तक ना देखी तेरी आंख की कोई बिजली ना कोई सोच, जरा आज मैंने भी देख लेन दे जरा बिजली प्रयास। अबे उल्लू के पट्टा बता रही हूँ, अब तो फिर चुप क्यों नहीं रहता, बीच में क्यों बोलता है? अब तुझे मालूम नहीं मैं एक नई तिक्रम लड़ा रहा हूँ, जाऊँ और देश के नन्ना जाप कर रहा है और जाति जाप का पाप कर रहा है। अब जल्दी से जा, नामा फूल कहीं का बीच में बोलता है। मेरा ख्याल है तुम्हारी शादी में देर नहीं होनी चाहिए बेटा। पिताजी बेटे, जानते हो इस बूढ़े बाप की जिंदगी में सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या होती है? यही कि वो आंखें बंद होने से पहले अपनी आंखों से जवान बेटे का चेहरा देख ले। पिताजी भगवान आपका साया हमेशा मेरे सर पर रखे, शादी के लिए मैं भी कुछ मोहलत चाहता हूँ। हद से बड़ी हुई मोहलत इज्जत को खतरे में डाल देती है बेटे, क्या तुम खानदान की इज्जत मिट्टी में मिला देना चाहते हो? पिताजी इस काम से कहे पे उदासी है, दांत तो मुझे होना चाहिए डालना, तुम क्यों दांत? तुम मर्द हो, मैं औरत, मर्द अपना दिल को बहलाता है और औरत अपने दिल को जलाती है। दिल में जलाने से कुछ हासिल नहीं होता,
हर काम अपने वक्त पर होता है और होनी हो कर रहती। तुम मुझे और अपने आप को झूठी तसल्लियां देकर वक्त का दामन छोड़ रहे हो। याद रखो दिलीप, वक्त की बेरोन सकती बुरी तरह पीस जाएगी। मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकती दिलीप, मैं तुम्हारी सवारी की और सुनने वाला। इसीलिए तो डरती हूँ कि तुम बस्ती के मालिक हो। तुम अमीर बाप के बेटे, मैं गरीब बाप की बेटी, उस बात की जो तुम्हारे रहम करम पर है। अमीर और गरीब में मोहब्बत हो जाती लेकिन परवाह नहीं करते। क्या हुआ चांदनी, डर गई मेरी बेटी? मैंने एक छानक सपना देखा है पिताजी, था तो साथ मेरा गला घोट कर मुझे मार देना चाहते हैं। हाँ, अजीत बाबू को यहाँ आते जाते देखकर मैं पहले ही डरता था, और आज तुम्हारे इस भयानक सपने ने मुझे और भी चौंका दिया है। पिताजी, अजीत बाबू तो बहुत अच्छे हैं। तुम अभी नासमझ हो बेटी, गरीबों के लिए बड़ों की परछाइयां भी खतरनाक होती है। ये आप क्या कह रहे हैं पिताजी? मैं वही कह रहा हूँ तो एक नादान और गरीब बेटी के बाप को कहना चाहिए। मैं इतनी ना समझ तो नहीं हूँ पिताजी। गाफिल मैं भी नहीं हूँ बेटी। मेरे मुतल्लिक ऐसी बातें सोचने से पहले मुझे मार डालिए पिताजी। नहीं मेरी बेटी, नहीं, मैं मोहब्बत को इतना बड़ा जुर्म नहीं समझता। मोहब्बत इंसान की जिंदगी है, लेकिन तेरी मोहब्बत ने गलत रास्ता ढूंढा है। सोने की चमकती हुई सीढ़ियों पर तेरे कदम नहीं जम सकते। सो जा मेरी बच्ची, भगवान तुझे हर आफत से बचाए। इसे पर जोर नहीं है, ये वो आतिश गालिब, इसे लगाए न लगे और बुझाए न बने। कन्या सुंदरी, सारी सारी रात तेरे लिए जाप करता रहता, पर जब दिल की कोई बात सुनती ही नहीं, मेरे दिल में जलन रहती। सुनते आया कि लोग चारपाई पर मरते, लेकिन मैं तुझसे मरता हूँ, मगर तुम सही है आया किसी भी। मगर उल्टी सीधी बातों का क्या मतलब, जाप करो ना तिरंदाजी। अरे जाप ही तो कर रहा हूँ, वारे भगवान सिक्रम की कोई भी सिक्रम फिट नहीं आती। मेरे दिल के स्टेशन पर गमों की रेल जारी है, मेरे दिल के स्टेशन पर गमों की रेल जारी है। न मरता हूँ न जीता हूँ, अजब हालत हमारी है, खाली सुलगते हैं अरमां और रात गुजरने वाली है। पलटू, अबे ओ पलटू, अरे पलटू, अरे जवान जोरू घर में है और तू बाहर सो रहा है? अरे मैं उस घुटने के पास नहीं जाना चाहता। अरे पगले, वो अंदर किसी से प्रेम कर रही है। प्रेम कर रही? हाँ, तो करने दे। प्रेम कर रही है? प्रेम 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 कर रही है? प्रेम प्रेम जीत जा जाते। अब क्या होगा? अब घबरा नहीं छनिया, मैं अभी कोई नई सिक्रम सोचता हूँ। दरवाजा तोड़ कर अंदर आ जाएगा। अरे छमिया, तू दरवाजा खोल दे और आज अपने सिक्रम की एक नई सिक्रम भी दे, क्या याद करेगी तू भी। हाँ यारी, धोतनी किस रूप से प्रेम कर रही थी? क्या पूछता है हमसे? तुम कौन हो?
खबरदार पलटू, जो एक कदम भी आगे बढ़ाया तेरी ही पूरी से तेरा फिर क्या कर दिया जाएगा। अगर वो ना होता तो मैं पलटू का पेट साफ कर देती और मार मार के उसका होलिया बिगाड़ देती। खबरदार जो पलटू को किसी ने कुछ कहा, जानते नहीं हो हमने इसके लिए कितना कठिन जाप और फिर जाप का पाप किया है। कोई भी आया तो उसका सत्यानाश कर दिया जाएगा। मुझे बताओ, कर रही है। घबराने की कोई बात नहीं पलटू, एक कठिन समय जीत गया, हमारी लोह ने आकर तेरी जान बचा दी, परंतु उसके लिए 6 रुपए 6 आने 6 पाई मेरी जेब नंबर 3 में डाल दे। ये सच कहा है श्रीमान शक्तिवान हकीम शख्सियत ने, शुभ कार्य शीघ्रम और देरी हुई तो गड़बड़म। आया कुछ बुद्धि में श्रीनाथ जी, ये 3 है चांदी जो है ये चलेगा चलेगा। अब तो मुझे कोई खतरा नहीं, जब तक चिक्रम दास की चिक्रम चलती है और उसको कोई खतरा नहीं। हमसे पलटू, रात तुमने क्या गड़बड़ घोटाला कर दिया? सारी रात मुझे जिन्नों और भूतों से लड़ना पड़ा। हाँ तिगरमदास जी, रात तो सचमुच तुमने मेरी जान बचा ली। अब तो निकाल मेरी फीस, 6 रुपए 6 आने 6 पाई से मेरी फीस दे दिया थी। तो मैंने रात ही को दे दी थी। अरे पगले, वो हमारी रूह ले गई होगी, इस खेती से निकाल। सच कहा है श्रीमान शक्तिवान हकीम शक्तिवान जी ने, शुभ कार्य शीघ्रम देरी हुई तो गड़बड़म, यानी के मामला नरम। आया कुछ बुद्धि में पलटू, आजकल तेरी जेबें कुछ ऐसी खाली खाली नजर आती है। 2 दिन से अजीत बाबू से पैसे नहीं मांगे, आज मांगूंगा। अजीत बाबू आजकल कुछ कुछ और मेरा मकसद है कि कुछ कुछ प्रेम करते हैं चांदनी। और यही तो मेरी ज्योतिष विद्या ने भी कहा है कि अजीत बाबू चांदनी से प्रेम करते हैं। और और वो और मैनेजर मक्खन को आ जाता है, इसमें बड़ी चादी दादी की शिकायत भी थी। अरे ठीक, यही मेरी ज्योतिष विद्या ने भी कहा है। पर अजीत बाबू बड़े सियाने हैं, वो रात के समय बाग में मिलते हैं चांदनी से, रात को भी मिलेंगे। अरे बिल्कुल ठीक पलटू, ज्योतिष विद्या ने यही कहा है कि अजीत बाबू चांदनी से प्रेम करते हैं, रात के समय बाग में मिलते हैं, मक्खन चलता है, इसलिए कि वो भी प्रेम करता है ना चांदनी। तुझे मेरे प्रेम की कदर नहीं है चांदनी, जो आज तुझे मैं करा सकता हूँ कोई नहीं करा सकता। देख तेरे लिए ये मैं कितना सबकूट लाया हूँ, और ये देख आलू बुखारे भी। अरे वो आलू बुखारे ले जा अपना बुखार। क्या कहा, तुम जानती हो चांदनी, बड़े जागीरदार साहब मेरे इशारों पर नाचते हैं, इशारों पर, मेरे इशारों पर। ये बड़े जागीरदार साहब को इशारों पर क्यों नचाया जा रहा है मेजर साहब? ओ मास्टर जी, जी कोई बात नहीं, जो मेरा बात कर रहा था, ये आपके लिए फल लाया हूँ, तो मुझे रिश्वत दी जा रही है। नहीं ले जाइए ये फल वाला अपने सचिव, ले जाइए इधर से। माफ कीजिएगा, नमस्ते नमस्ते। अगर सुनिए तो सही, हम आपसे फल से नहीं मांगते मैनेजर साहब, आप परंतु ध्यान ज्ञान से चिक्रम सुन लीजिए। आपके चेहरे की रेखाएं साफ कर रही है मैनेजर साहब कि आपको कोई कष्ट है, और वो कष्ट भी प्रेम का है।
अब भगवान इस समय झूठ ना बुलवाए तो आप अभी अभी यानी के ऐन समय गैन नींद पेशे गम में डूबे हुए तकलीफ ना रहे। ध्यान ज्ञान और ज्योतिष विद्या का कहना है कि आपकी सुंदर चांदनी से अजीत बाबू प्रेम करते हैं और हर रोज रात के समय बाग में मिलते हैं। बाग में आया कुछ बुद्धि में बात तो तुम ठीक कहते हो तिगम दास जी। अजीत विक्रम दास 105% तेज हमेशा सच बोलता है और सच सुनना है तो मेरी फीस 16.5 रुपए 17.5 आने से पाई आज जेब नंबर 10 में डाल दो। तिगम दास जी रुको बहुत पहले चुपके से सब बातें मेरे कान में कह दो। रुपए मिले बहुत आज तुम लो कर सुनो। तो मेरे पैसे छोड़िए इस बात को तिगड़म दास जी, हम तो लेन देन पे खाक डालकर पाक मोहब्बत करते हैं। पाक मोहब्बत करते हैं पाक मोहब्बत करते हैं। मेरा नाम जी तिगड़म दास है। आज रात ठाकुर साहब सब कुछ अपनी आंखों से देख लेंगे। तो यह है कि प्रेम करने वालों के रास्ते में बड़ी बड़ी मुसीबतें आती हैं जानवी। हाँ हाँ मैं प्रेम करती हूँ तभी तो मैं बड़ी से बड़ी चट्टान से टकराने के लिए तैयार हूँ अजीत बाबू। लेकिन मोहब्बत अमीरी और गरीबी को नहीं देखा करती चांदनी। नहीं नहीं अजीत बाबू आप इस बस्ती के मालिक हैं और मैं लड़ती। तेरी इतनी जुरत अजीत कहाँ है? अजीत को कोई मैं पल्लू से थोड़ी बांधे भेजती हूँ। जुबान दराज हम तुम्हारी जुबान खींच लेंगे। विक्रम दास तुम ये सब क्या है मैनेजर? माफ कीजिएगा ठाकुर साहब ये मैं मर्द और स्त्री का रूप धार के प्यार के लंबी चौड़ी विक्रम का पाप और पाप का जाप कर रहा था। मैनेजर सरकार तुमने हमारे बेटे पर गलत इल्जाम लगाया है। तुम्हें शर्म नहीं आती? नहीं 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 सरकार मैनेजर साहब मेरा नाम है विक्रम दास। मैं यहाँ पर लेन देन पर खाक डालकर पाक मोहब्बत करता हूँ। आया है कुछ बुद्धि में? बहुत फिक्र है मैनेजर। सरकार हम इस झूठ की तुम्हें सख्त सजा देंगे। चलो सरकार ये रहा दुपट्टा। सरकार मुझे अपने ध्यान ज्ञान और ज्योतिष विद्या से पहले ही पता चल गया था कि आप पर कोई कठिन समय आ रहा है। परंतु तभी तो मैं फट से एन मौके पर पहुंच गया। परंतु इस लंबे चौड़े तिक्रम के 30 मुबले 110 रुपया मोहब्बत वाले खाने गिर नंबर 10 में डाल दीजिए। सरकार आज जरा जल्दी कीजिए। सच कहा है श्रीमान शक्तिवान हकीम शक्तिर जी ने शुभ कार्य शीघ्रम देरी हुई तो गड़बड़म यानी कि कुछ मामला नरम। सरकार नोट आ जाए बच्चेगरम दास जी खूब आदमी। ये लीजिए अपनी फीस 100 रुपया 10 सरकार दास। अच्छा 10 और ये 100। मगर एक चीज तो बताइए चिकरम दास जी कि ये शेक्सपियर साहब आपको श्रीमान शक्तिमान और हकीम साहब बनकर कहाँ मिले? सरकार जब आप मोहब्बत की डिग्री लेने वलायत गए थे ना तो शख्स पीर साहब अपनी आंखों का इलाज कराने चोर काने आए उनसे। तिकरम दास जी अब तो मेरे और समेत इस तारे भी ठीक कर दो। भगवान जाने बहुत दिन हो गए सितारों को रूठे हुए। आप पलटू पलट के ध्यान ध्यान सुन लो अपना। तुम्हारे और झमिया के सितारे कभी नहीं मिल सकते। तू आदमी और वो भी उतनी भला तेरा उसका क्या जोर? पलटू उसे घर से निकाल दिया। चिकन की चिकन तो यही कहती है। वो बहुत सुंदर है तिगम दास जी मैं उसे कैसे छोड़ दूं? इसके बगैर तिकड़म की तिकड़म चलती नजर नहीं आती। आया कुछ बुद्धि में? हेलो डैडी। ओह वेरी गुड वेरी गुड। अच्छे मौके पर आई रही बिटिया। मैं अभी ठाकुर साहब को खत लिखने का इरादा कर रहा था। कैसा खत डैडी? यही कि मेरी बिटिया जवान हो गई है अब मैं ज्यादा देर इंतजार नहीं कर सकता। आपको हर वक्त मेरी शादी की चिंता क्यों रहती है?
वेरी गुड वेरी गुड, शर्मा जाती है मेरी बिटिया शादी के नाम से। शाबाश, शरीफों की औलाद ऐसी ही होनी चाहिए। कभी शादी के नाम से मैं भी अपने पिताजी से शर्मा जाता था। शेख साहब का खत आया है बेटे, और शेख साहब कहते भी ठीक है, अब हमें तुम्हारी शादी की तारीख मुकर्र कर देनी चाहिए। कितनी जल्दी भी क्या है पिताजी? इसका जवाब उस जवान बेटी के बाप से पूछना चाहिए जो अपनी बेटी की जवानी देखकर नजरें झुका लेता है। लेकिन पिताजी, शादी के बारे में बगैर सोचे समझे मैं कोई कदम उठाना नहीं चाहता। हमारे होते हुए तुम्हें सोचने की क्या जरूरत है? जिंदगी के सभी सफर का साथी मैं अपनी मर्जी से चुनना चाहता हूँ पिताजी। ये हम क्या सुन रहे हैं अजीत? क्या वो सब कुछ दुरुस्त है जो हमने तुम्हारे और चांदनी के बारे में सुना? हाँ, आज तुम्हारा ये जवाब सुनने के लिए हम जिंदा न होते। तुम्हारी जुबान से ये अल्फाज सुनकर हमारी कमर टूट गई है। तुमने ये भी नहीं सोचा कि मोरी की ईंट को चुबारे में लगाने से खानदानी विकार मिट्टी में मिल जाएगा, हमारी गर्दन हमेशा के लिए झुक जाएगी। तुमने उसका भी जरा ख्याल नहीं किया जो बचपन की मंजिलों से गुजर कर जवानी के दुराहे पर खड़ी तुम्हारा इंतजार कर रही है। मैं अपने लिए यही राह मुनासिब समझता हूँ पिताजी। तुम भूल रहे हो अजीत, हम तुम्हें इस राह पर नहीं चलने देंगे। हम बता देंगे कि तुम एक कदम भी न चल सको। मैं अपनी राह में बिछे हुए कांटों को फूल बनाकर गुजर जाऊंगा पिताजी। लेकिन चांदनी का हम तुम्हारे पांव काट डालेंगे और उस लड़की का गला घोंट देंगे जो अपनी हैसियत को भूल कर तुम्हारी तरफ पड़ रही है। पिताजी, कसूर उसका नहीं मेरा। हम किसी को माफ नहीं करेंगे। तुमने आज तुम्हारी बेटी ने जो चांद चढ़ाया वो तुमने देखा मास्टर? जी हाँ, मैंने अपनी बेटी का चढ़ा भी देखा और आपके बेटे का बनाया हुआ वो आसमान भी देख रहा हूँ जो चांद के लिए बनाया गया। तुमने अपने गरीबान में मुंह डाला है मास्टर। गरीब का गरीबान तो हमेशा खुला रहता है ठाकुर साहब। खिले हुए गरीबान तो अमीरों के होते हैं, जिनके बख्शिया गरीबों की निगाहें नहीं उदेड़ सकती। ज्यादा दानाई उगलने की कोशिश मत करो मास्टर। अमीरों के मुतालिक शहर में बुझे हुए चंद से कई जुबान पर लाकर तुम हमारे गुस्से की आग को ठंडा नहीं कर सकते। स्कूल मास्टर बस्ती के मालिक के सामने क्या दानाई उग सकता है सरकार, और ये गरीब अमीरों के गुस्से से खेलने की कैसे जरूरत कर सकता है मालिक? हम पूछते हैं तुम्हें और तुम्हारी बेटी को ये मालूम नहीं था कि अजीत का रिश्ता तय हो चुका है, वो किसी का मंगेतर है? मुझे तो शायद मालूम ना हो, और मेरी बेटी भी यकीनन इस बारे में कुछ ना जानती होगी। लेकिन अजीत बाबू जरूर जानते थे कि उनका रिश्ता तय हो चुका है और वो किसी के मंगेतर। तो गोया तुम कहना ये चाहते हो कि कसूर तुम्हारा और तुम्हारी बेटी का नहीं बल्कि अजीत का है। लेकिन हम पूछते हैं कि तुम्हारी बेटी ने अजीत के गरीबान तक हाथ बढ़ाने की कोशिश क्यों की? इसका जवाब अजीत बाबू मुझसे बेहतर दे सकते हैं सरकार। मैं तो इतना जानता हूँ कि उन हाथों में इतनी ताकत नहीं थी कि उस गरीबान तक पहुँच सकते। उन हाथों को ये कुव्वत किसने बख्शी ये आप जानते हैं। हम ज्यादा गहराई में जाना नहीं चाहते, लेकिन साफ लफ्जों में ये बता देना चाहते हैं कि अगर तुम्हारी बेटी ने आगे कदम बढ़ाने की कोशिश की तो हम उसके पांव काट डालेंगे। अपनी बेटी के पांव तो मैं खुद भी काट सकता हूँ सरकार, लेकिन अजीत के पैरों में जंजीर हम डालेंगे। जंजीरों से काम नहीं चलेगा हुजूर। मोहब्बत करने वालों के पैरों में भारी जंजीरें भी डाल दी जाएं तो मंजिल खुद बहुत कदमों पर आ चुकी। हमें अपनी कुव्वत पर नाज है मास्टर। तुम अपनी हैसियत में रहकर अपनी बेटी को समझाओ, ये हमारी आखिरी नसीहत है। जाओ। क्या हुआ? वही हुआ जिसका मुझे डर था। तुमने जवानी के मंदिर में अपनी मोहब्बत का जो चार जलाया था
उसका धुआं गम का बादल बनकर छा गया। मैं आपका मतलब नहीं समझ सकी। हाँ, अगर तुमने मेरा मतलब पहले ही समझ लिया होता तो आज ये दिन न देखना पड़ता। बदनामी सबसे बड़ा गम होता है और आज तुम्हारी मोहब्बत बदनामी के दरवाजे पर आ पहुंची है। ये आप क्या कह रहे हैं पिताजी? मैं आपके माथे पर बदनामी का दाग ना लगने दूंगी। बदनामी का दाग लग चुका है, उसे तुम धो सकती हो ना मैं। अब बेहतरी इसी में है कि अपने बड़े हुए कदम पीछे हटा लो। क्या अजीत बाबू ने कुछ कहा है आपको? अजीत बाबू मुझसे क्या कहता, उसे जो कुछ कहना था वो तुझसे कह चुका है और उसके बाप को जो कुछ कहना चाहिए था वो मुझसे कह चुका है। मैं आपकी इज्जत पर आंख ना आने दूंगी पिताजी। तुम आंख को रो रही हो और मैं उन अंगारों में जल रहा हूँ जो तुम मेरे आस पास बखेर चुकी हो। मैं आपको परेशान नहीं देखना चाहती पिताजी। जवान बेटी बाप को परेशानियों के सिवा और दे भी क्या सकती है, लेकिन मेरी परेशानियों को दूर करना तुम्हारे बस में नहीं। और तुम्हारे दिल पर जो तीर लग चुका है उसका घाव मैं भी नहीं भर सकता। तुम अगर समझ जाओ तो तुम्हारी हिम्मत है, मैं तुम्हें बार बार नसीहत नहीं करूंगा। पिताजी, तुम मरना चाहिए उस जवान बेटे को जो अपने बूढ़े बाप की जिंदगी का सुकून छीन दे। तुम्हारी वजह से एक मामूली आदमी अपनी बातों के जहरीले तीर हमारे कलेजे में प्रवेश कर गया। पिताजी, मेरी नजरों में सब आदमी बराबर है, अमीरी और गरीबी का किस्से अब बहुत पुराने हो चुके हैं। मैं अपने जीते जी अपनी आन पर आंच नहीं आने दूंगा। याद रखो, मेरी मर्जी के बगैर तुम्हारी जिंदगी का हर फैसला अधूरा रहेगा और अगर तुम अपनी जिद पर अड़े रहे तो पछताओगे। गठरी उठा के कहाँ चली? मुझे उस भूत ने निकाल दिया, अब मैं यहाँ नहीं हूँ। अगर उस भूत ने निकाल दिया है तो मैं हाजिर। देख सनिया, तेरा ये दास आज यानी कि तिकरम दास आज तुझे अपनी कुटिया में बसाने के लिए हर वक्त तैयार है, परंतु एक भगवान ने तेरे मेरे सितारे भी तो मिलाना शुरू कर दिए हैं। आया कुछ बुद्धि? मैं इस गांव में नहीं रहूंगी। आई, मुझे भूखे मरना मंजूर, मैं भीख मांग लूंगी पर यहाँ नहीं रहूंगी। अरे चंदिया, अगर तू यहाँ नहीं रहेगी तो चल अब मैं भी तेरे साथ चलूंगा। पर हट, मेरे साथ तेरा क्या? कोई काम नहीं। अरे भगवान, अब बनाई थी खिचड़ी और बन गई थी। अरे चंदिया, तेरे नैनों के तीर और फूट गई तिकड़म की तकदीर। आया कुछ बुद्धि में? अरे हुआ, पलटू, मैंने तेरे और छमिया के सितारे बिल्कुल ठीक कर दिए हैं। अरे जल्दी कर, वो जा रही है। अरे भागो जाओ मामा। पलटू, अरे वो सितारे जलाने की चीज तो देता जा, पांच रुपए। सच कहा है श्रीमान श्रीमान हकीम शख्सियत जी ने, शुभ कार्य की क्रम और देरी हुई तो गड़बड़ मची। आया कुछ बुद्धि? अरे सितारे ठीक हो गए। अरे अब्बा, अरे तिकड़मदास जी, मेरे क्या? ओ मेरी सुंदर छनिया, छनिया, ओ मेरी सुंदर छनिया, छोड़ दे मुझे, मैं तेरे साथ नहीं जाऊंगा। अरे पगली, छोड़ कैसे दूं? अब तो मेरे और तेरे सितारे भी ठीक हो गए हैं। दास जी, अगर मुझे पहले ही बता देते कि छमिया के सितारे ठीक हो गए हैं तो मैं इसको घर से ही क्यों निकालता। अब परंतु हमें क्या पता था कि हमारी चिक्रम भी चिकड़ फिकड़ हो जाएगी और ये सारा मामला घूम करिश हो जाएगा। छमिया सुंदरी, तेरे सितारे भी साफ करने के लिए मुझे कोई नई चिक्रम सोचना पड़ेगी। परंतु निकाल 6 रुपए 6 आने,
जेब नंबर 3 के लिए आया कुछ बुद्धि में? खबरदार दस को पैसे दिए। अरे तेरा किसी का तेरी सब चिकड़म मेरे समझ में आ गई है। चिकड़म समझ में आ गई है तो इसका ये मकसद के बेड़ा कर रखो बेड़ा पार तुम दोनों। अरे चिकड़म दास इतने बड़े पिंजरे की चिड़िया तेरी छोटी सी पिंजरी में नहीं फंस सकती। लानत है तेरी चिड़ी मारी पर तेरे की आया कुछ बुद्धि ने। चांदनी जी आज बाबू जी कहते हैं आज रात को बाग में मुझे जरूर मिलना। कह देना मैं नहीं मिलूंगी। मैं उन्हीं रातों की स्याही अपने चेहरे से नहीं मिटा सकी जो पहले लगती थी। तू प्रेम करती है चांदनी फिर तू इतनी बुजदिल क्यों है? बुजदिल तो वो खुद है जो दिन के उजाले में मुझसे मिलने नहीं आ सकते। लेकिन उसको तेरी बदनामी का डर है। वो मेरी बदनामी से नहीं अपनी शान से डरता है। मेरी बदनामी का जोर तो अपने बाप से पिटवा चुका है। इतनी बदगुमानी अच्छी नहीं होती चांदनी। तू उसे जरूर मिल। मैं नहीं मिलूंगी नहीं मिलूंगी। मिले बगैर तो तू उसे रह नहीं सकती। पलटू जा बाय। तुम्हारा वो बाप जो कहता था अपनी बेटी के पांव तो मैं खुद भी काट सकता हूँ। रात की तारीख ही नहीं तू मेरी इज्जत पटाकर डालने जा रही है। मुझे छोड़ दीजिए मेरा गला ना घोटे मुझे माफ कर दीजिए सरकार। तू हमारा दिल निकालना चाहे और हम तुझे माफ कर दे। चल अपने बाप के पास चल। तुमने बाम पर कमंते डालने के लिए भेजा हुआ था। तू तो इससे ये कहां जा रही थी? ये मेरी इज्जत की ऊंची दीवारें फांस कर अपनी जवानी का खून करने जा रही थी। खाकर साहब ये क्यों नहीं कहते कि सोने की दीवार पर चढ़ने के लिए सीढ़ी तलाश कर रही थी? आप जो कुछ फरमाएंगे मैं सुनूंगा। ये वाकई कसूरवार लेकिन मेरी समझ में नहीं आता कि इस नादान लड़की ने किसके कहने में आकर अपनी इज्जत को खतरे में डाला और ये घर से बाहर कदम निकालने पर क्यों मजबूर हो गए। अनजान मत बनो मास्टर तुम अच्छी तरह जानते हो वरना जवान बेटियों के बाप तुम्हारी तरह गहरी नींद नहीं सोया करते। जानता हूँ मालिक कि जवान बेटी का बाप गहरी नींद नहीं सो सकता मगर जवान बेटे का बाप क्यों उसकी रस्सी दराज कर देता? हम बहस नौ लगने के आदि नहीं है। आज तक हम तुम्हारा मुंह देखते रहे हैं मास्टर लेकिन अब कान खोल कर सुन लो। इससे ज्यादा हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम तुम्हें हुक्म देते हैं कि सुबह का सूरज तुम्हें इस बस्ती में न देखे। अपनी बेटी को लेकर कहीं और चले जाओ कि हमारा कतई और आखिरी फैसला है। समझे? समझ गया ठाकुर साहब बहुत अच्छी तरह से समझ गया। काश मेरी बेटी भी समझ जाए और आपका आखिरी फैसला की अदालत में सोम होते। काश दूसरा मुजरिम भी मेरे सामने होता और मैं जान सकता कि दोनों में से ज्यादा जुर्म किसने किया। सबसे ज्यादा जुर्म तुम्हारा है और तुम्हें इस जुर्म की सजा मिलने ही चाहिए। मैं तो जुर्म की सजा पा चुका। सुबह मुझे ये बस्ती छोड़ देनी होगी। पिताजी तुमने भी छाकर का आखिरी फैसला सुन लिया?
बस्ती का मालिक के गरीब लड़की की मोहब्बत का बदला और दे भी क्या सकता है। ये मेरी भूल थी, मैंने मोहब्बत को मोहब्बत की नजरों से देखा। अब तुम्हारा अजीत वो कहाँ है जिसने तुम्हें मोहब्बत की गीत सुना सुनाकर तुम्हारी हैसियत को तुम्हारी नजरों में भी छुपा दिया। पिताजी रात भर नहीं आया मैनेजर, हम सब परेशान। आपने बिल्कुल ठीक किया सरकार जो मास्टर को बस्ती से निकाल दिया, वरना मैं तो सहिया किए बैठा था कि एक मामूली मास्टर की लड़की से भी आपकी इज्जत की खातिर शादी कर लूंगा। क्या बच्चे हो मैनेजर, हम तुमसे अजीत के बारे में पूछ रहे हैं। आप आजमा के तो देखिए सरकार, एक दफा हुक्म दे के देखिए, मैं अभी मास्टर को रोके लेता हूँ। नमान हो जाएगा बच्चे। आ गए तुम, कहाँ रहे रात भर? अब तुम्हें उस कलंकनी के इंतजार की तकलीफ नहीं होगी, हमने उन्हें बस्ती से निकाल दिया है। पिताजी ये आप क्या कह रहे हैं, मैं उन्हें बस्ती से नहीं जाने दूंगा। वो बस्ती से निकाले जा चुके हैं अजीत, तुम हमारे फैसले को नहीं बदल सकते। गरीबों को कुचलने का फैसला आपने बहुत जल्द कर लिया पिताजी, आप बस्ती के मालिक, इसका ये मतलब नहीं कि आप गरीबों से उनके झोंपड़ों में रहने का हक छीन लें। बस लगाम लड़के, हमारे सामने जुबान चलाते हो तुझे शर्म नहीं आती? इससे बढ़कर एक बात की बदनसीबी और क्या हो सकती है कि जवान बेटा अपनी आंखों की हया खो बैठे। मत भूलिए पिताजी कि आपसे बड़ी कोई और ताकत भी है, जिसके नजदीक अमीर और गरीब सब एक है, जो मुंसिफ है और जिसके इंसाफ के सामने आपके फैसले कोई हैसियत नहीं रखते। ये मत भूलो अजीत कि तुम बाप के रूबरू खड़े हो। जी हाँ, उस बात के रूबरू जो गरीबों को बेघर करके ये साबित करना चाहता है कि मैं बस्ती का मालिक हूँ। खामोश, तुम दो कौड़ी के लोगों के लिए हमसे उलझना चाहते हो? इंसाफ मांगने को उलझना नहीं कहते पिताजी, मैं ये जुल्म नहीं होने दूंगा। मैं मास्टर साहब और चांदनी को लाकर रहूंगा। रुक जाओ अजीत। पिताजी अजीत रुक जाओ, हमारी पूरी हड्डियों में अभी कीचक बाकी है कि तुम्हारा रास्ता रोक सके। रुक जाओ अजीत रुक जाओ। अजीत बेटा, मेरे बच्चे, मेरे बच्चे, अजीत अजीत। ये मेरे बुढ़ापे की लाठी है डॉक्टर साहब, ये मेरी जिंदगी का आखिरी सहारा है। घबराइएगा नहीं ठाकुर साहब, भगवान ने बाल बाल बचा लिया है। आप पलटू को भेज दें, मैं दवा दे दूंगा। बहुत अच्छा चांदनी, चांदनी। नहीं बेटी नहीं, अब मुझसे नहीं चला जाता, प्यास से मेरा दम खुश हो रहा है। पिताजी यहाँ पानी। पानी क्यों हो गए? अरे अभी लाता हूँ। लो पियो। कुछ तबीयत खराब है क्या? हाँ बुखार है। अरे तुम्हें तो बहुत सख्त बुखार है, कहाँ जाओगे? हमारा कोई ठिकाना नहीं भैया, हम कहाँ जाएंगे? आओ मेरी झोपड़ी में कुछ देर आराम कर लो। तुम मेरे साथ बगीचे में रहना। नहीं भैया नहीं, हम बहुत छोटे आदमी हैं,
बहुत बड़े आदमी की खिदमत शायद हमसे ना हो सके। तुम फिक्र ना करो, इन घर में नौकरों की बहुत इज्जत है, तनख्वाह भी मिल जाती है, एडवांस भी मिल जाती है। अच्छा भैया, किस्मत में बड़ों की खिदमत ही लिखी है, तो कर नहीं पड़ेगी। पलटू जी, हुजूर हम नई बस्ती नहीं जाएंगे, पिताजी से कह देना हमारी तबीयत खराब है। बहुत अच्छा हुजूर। सरकार, छोटे सरकार की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। वो हर वक्त कुछ खोए खोए से और कुछ उदास उदास नजर आते हैं। हम सब कुछ देख रहे हैं, उसकी उदासी ने हमें भी परेशान कर दिया है। तुम बताओ मैनेजर, क्या इलाज करें? हुजूर, जितनी जल्द हो सके अजीत बाबू की शादी कर डालिए। तुम्हें मेरी शादी की बहुत ज्यादा खुशी है चाहिए, तुमने तो दो दिन में इतने कपड़े तैयार कर दिए। आज की शादी की खुशी मुझे ना होगी तो और किसे होगी? आज तो ये कपड़े पहने मुबारक हो। छोड़ो चाहिए, तुम क्या पुराने ख्याल रखती हो, ऐसे कपड़े तो हर रोज ही पहने जाते हैं। वो कौन है जिनसे आपकी शादी होने वाली है? यहाँ नहीं आते, यहाँ आकर वो क्या लेंगे? अच्छा चांदनी, मैं अपने सहेली के साथ शहर चली जा रही हूँ। डरी गरी पूछे केवल आ भी गई हूँ। बच्चे, आप अब तक बाहर थे? तू नहीं जानती चाहिए मेरी सहेली मुझे कितना प्रेम करती, उसका बस चलता तो मुझे अब भी ना आने देती। पर तुम इतने रात तक क्यों जाग रही हो? मुझे भी रात के वक्त अपनी एक सहेली याद आ जाती है, और उसकी याद आते ही मेरे दिल में दर्द सा उठने लगता है। दिल में उठता है जब याद तुम्हारी आती है, इस दर्द का दिन रात तड़पते रहते हैं, आँखों से नींद उड़ी जाती है, इस दर्द का जब चांद सितारे अपने थे जब चांद सितारे अपने थे सब सुहाना देखा था, इस सब सुहाना देखा था, अब ख्वाब की बातें ख्वाब तन्हाई मुझे अरे पाती है, तन्हाई मुझे अरे पाती है, किस दर्द का दुनिया में मुहर
दामन खुशियों को गम लेकर मजबूर जवान आती है, मजबूर जवान आती है इस दर्द का, इस दर्द का दिल में उठता है जब याद तुम्हारी आती है, इस दर्द का जाओ और अपनी सालगिरह के लिए कोई अच्छी सी चीजें खरीद कर लाओ। डैडी कहती है कि तुम अपनी सालगिरह में खुद नाचो। वेरी गुड जरूर नाचो। सोसाइटी के आदाब भी यही कहते हैं कि वेरी गुड नाचो। और हाँ डैडी, चांदनी ने मुझे एक बहुत अच्छा गाना सिखाया है। चांदनी जी वेरी गुड बिटिया है, इसने तुम्हारी शादी के लिए बहुत बहुत अच्छे कपड़े तैयार किए हैं। मगर हाँ बिटिया, तुम्हारी सालगिरह पर तुम्हारा मंगेतर भी आएगा, तुम उससे वेरी गुड होकर मिलना, समझी? तुम्हारी ये हालत देखकर हमारी परेशानी और भी बढ़ती जा रही है बेटे। जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ और आइंदा के बारे में सोचो। मैं अब अपने बारे में कुछ नहीं सोचना चाहता पिताजी। हमने जो कुछ किया बेटा वो तुम्हारी बेहतरी के लिए किया है। ये देखो, शेष अमरनाथ का तार आया है, कामनी की सालगिरह, उन्होंने तुम्हें दो दिन पहले बुलाया है। हमने सामान तैयार करवा दिया है, तुम जाने की तैयारी करो। मैं वहां जाकर क्या करूंगा पिताजी? तुम्हारा जाना बेहद जरूरी है बेटा। यही तो मेरा मंगेतर है, पसंद है तुम्हें? हाँ अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। भगवान आपकी जोड़ी सलामत रखे। तुम दवाएं देने में बहुत फ्राकिल हो चांदनी। जिसके पास दवा ना वो दुआ के सिवा क्या दे सकता है? सब कुछ दे चुकी हो बेटी, तुम्हारे लिए ये बहुत बड़े इम्तिहान का वक्त। पिताजी अगर तुम्हारे सफर का पैमाना छलक गया तो बहुत बड़ा तूफान आ जाएगा। उसके सुहाग को बचाना बेटी, तुम किसकी नमक खार? मैं उसका सुहाग न उजड़ने दूँ। मैं आपको यकीन दिलाती हूँ पिताजी, मेरे कदम नहीं डगमगाएंगे। मैं भी सालगिरह में शरीक होकर जी के सामने नहीं आना चाहता। जादूगर बालम्मा है, जादूगर बालम्मा।
नहीं आई जी। हालांकि मैंने उसे कई बार कहा कि तुम अजीत के पास बैठा करो जिससे आपस में बेतकल्लफी पैदा हो, मगर ये लड़की सुनती ही नहीं। ओह वेरी गुड वेरी गुड। और नो नो गुड वेरी बैड वेरी बैड। बसंती, अरे बसंती, कामी बिटिया को बुलाओ। कामनी कहाँ है? तुम कौन होते हो कामनी को पूछने वाले? रात की तारीखी में चोरों की तरह यहाँ क्यों आए? प्यार का फसफा तुम क्या जानो? बड़े बेचैन हो? क्या हुआ तुम्हें? कामनी, ये कौन है? मेरी नौकरानी। बड़ी बदतमीज है। बदतमीज मैं नहीं हूँ, आप हैं बाबू साहब। ये क्या बकवास है चलने? आई एम सॉरी डार्लिंग। उससे सोचो कामनी देवी, घर में आज का मुझे कर आया हुआ है, बात चीज का कुछ तो ख्याल करो। वेरी गुड वेरी गुड। कामी बिटिया अभी तक नहीं आई? वेरी बैड, मैं खुद उसे बुला के लाता हूँ। गुड वेरी वेरी गुड। चलिए आ गए। ओह नो गुड नो गुड। क्या हुआ बिटिया? देखा डैडी, ये जमीन नौकरानी जिसको मैं बहन की तरह समझती हूँ अपने बॉयफ्रेंड को यहाँ बुलाती है। अभी अभी एक बदमाश से यहाँ तुझसे प्रेम कर रही थी। मेरे कमरे में डैडी, मेरे कमरे में। तभी तो इसका बूढ़ा बाप इसे साथ लेकर दूसरों के दरवाजे झांकता फिरता है। मेरा घर है क्या राजा इंद्र का? मैं कोई कसूर नहीं। आवारा
अब आराम तेरा कोई कसूर नहीं। चल चल निकल कर्म तेरा जा चुड़े। चल चल अगर मेरी बेटी ऐसी हरकतें करती तो मैं उसका चला खून से मार डालता। क्या हुआ तुम क्या हुआ बुड्ढे? देखे अपनी बेटी के लक्षण? ये मेरे घर में गैर मर्दों को बुलाकर उनसे मिलती है। इसे इसी वक्त यहाँ से लेकर चला जा। मेरे घर में भी जवान बेटी है। मैं नहीं चाहता कि इस मनहूस का छाया मेरी मासूम बेटी पर पड़े। ये झूठ कहते हैं पिताजी, मेरा कोई कसूर नहीं। मैं जानता हूँ मेरी बच्ची, मैं जानता हूँ। ठीक है, आप मेरी बेटी पर इल्जाम लगा रहे हैं, ये ऐसी नहीं हो सकती। बेगैरत बेटियों के बाप भी बेगैरत होते हैं। वो अपनी आंखों से अपनी बेटियों की ऐब देखकर भी अंधे बने रहते हैं। इतनी बड़ी गाली न दीजिए शेख साहब, मैं गरीब जरूर हूँ लेकिन बेगैरत नहीं। अल्लाह मेरी बेटी में कोई ऐब आप समीप मेरे सामने जबान चलाते मेरी बच्ची कहीं ले गए पिताजी। इस दुनिया में हमारे लिए अब कोई जगह नहीं। चाहे मुझे महलों के छाए न हो जल्दी
भगवान की देव निराली है। इस घर की वीरानी से मेरी जिंदगी वीरान थी। तुम्हारे दम मेरे अंधेरे घर का शराब रोशन हो गया है बेटी। इस जालिम दुनिया ने तुम पर जो जुर्म किए हैं वो भूल जाओ और मुझे अपना बाप समझो। मैं बहुत बदनसीब हूँ बाबा, कहीं मेरी वजह से आप पर भी मुसीबत ना आ जाए। ये तो मेरी खुशनसीबी है कि मुझे पंजा की समझदार बेटी मिल गई। मेरा इस दुनिया में तुम्हारे सिवा कोई नहीं है। मेरे पास जो कुछ है वो सब तुम्हारा है। मैं तुम्हारे लिए वो सब कुछ करूंगा जो एक बाप अपनी बेटी के लिए कर सकता है। मोटी आंख डली थी, अरे चिरवारे अंगली मूंग फली सिर तड़क टोरी धात सिर बचपन राम सीता राम बचपन राम सीता राम और टिकड़म तीन ना भूलिए। अरे गर्दन और जमीन पाकी बात कही सुया रारे के घर मिर्जा गालब दीन मिर्जा गालब दीन। अरे क्या भजमन राम सीता राम भजमन राम सीता राम और राम 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 सीता राम देख था का भगवान कुछ गुस्सा हो गया। अब तारा दंडा युवा नहीं चलना करा। अरे अलगू यही तो मैं भी सोच रहा हूँ। कुछ दिनों तो फलतू एंडों के साथ अपनी पत्तेबाजी खूब चलती रही, लेकिन अब तो कोई फलतू का भाई नजर ही नहीं आता। भगवान अरे क्या पत्तेबाजी उम्र कितनी कम होती है। मने तो दिखे से दुनिया के सिगड़े पलटू सारे मर गए। गुरु अब तू भी हरे के चेतरे का मेरे यार सच कह रहा है अलगू। अब मैं यहाँ रहती क्या करती हूँ। अब मैं तो कहीं तू जाकर अपने पिछले गुनाहों की माफी मांगूंगा। अलगू तू आज से मेरा चेहरा है। अरे तू इस कुटिया का मालिक है। मेरे अलगू नन्हे को अपने साथ मिलाकर इस धंधे से चलाना। अलगू अरे मैं शहर में जाकर दिन मजदूरी करके अपना पेट पालूंगा। गुरु मेरे अलगू गुरु तने छोड़ कर आ रहा हूँ। ऐसे तो नहीं है। अरे वो मैंने सारे निकाल के अलहदा रख लिया गुरु। भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है कि तेरे मुझसे चार सदी थी पत्तेबाजी और तिकड़मबाजी सब छुड़वा दी। भगवान अब तो मैं कोई नेक काम करके मरना चाहता हूँ। ये तेरी मेहरबानी है कि तूने मुझे ऐसे घर में नौकरी दिलाई जहाँ बगैर ये रोटी पेट भर को मिल जाती है। थैंक यू भगवान थैंक यू। देखो तिकड़म दास हम तुम्हारा खैर भी नहीं जा रहे हैं। तुम लोग को अपने पास रखो। भैया मैं भी चाहते हैं चाहते हैं। मैं तो अभी आता हूँ तुम्हारे लिए बहुत सारी चीजें लगूंगी। अरे हम खैर कराएंगे अपनी बेटी को और हम बिल्कुल छुट्टी देंगे हैं। और मेरी बेटी बड़ी बाबा बड़ी अच्छी बेटी है। हाथ
सुबह सुबह भगवान, मैंने तो ये धंधा छोड़ रखा है। हाँ, आज बस्ती के नए मालिक आए हुए, लोग उनके स्वागत की तैयारियां कर रहे हैं, मैं भी जरा हुआ हूँ बेटी। इस बस्ती का नया मालिक कौन है बाबा? तुझे भी दिखाऊंगा बेटी, नया मालिक बड़ा अच्छा आदमी। बस्ती का नया मालिक देकर क्या करूँ, बस्तियों के मालिक तो बड़े साली होते। और छात्र साहब को इतना दो, देखी तुम इनका ध्यान रखना, मैं तेरा हसीन को ले आऊ। काश इनका ध्यान रखने को मुझे हिम्मत होती। अजीत बाबू, अपनी बात की नसीहत को मत भूल, जिसने तेरी खातिर अपनी जान दे दी, अगर तेरे कदम डगमगा गए तो एक और तूफान आ जाएगा, मत भूल के तू एक गरीब बात की बेटी। नहीं नहीं, मेरे कदम नहीं डगमगाए। चौधरी जी घबराए नहीं, थोड़ी देर के बाद उठ आ गए, आइए मैं आपका अप्लाई देता नहीं आज सर। अजीत बाबू ने खुद ही मुझे अपने साथ आने से रोका। तुम बचते हो, चार पाई उठा कर बाहर ले चलो, जल्दी करो, गाड़ी में ले चलो। अबे जल्दी करो, मेरे बच्चे चलो, मैं सरकार चांदनी, तूने अभी तक पीछा नहीं छोड़ा। मेरी बेटी को मौत मुंह में पहुंचा कर तू अपने इंतकाम की आग बुझाना चाहती है। बस गुमान लो मैंने खाकर कहा, मैं निर्दोष हूँ। तू निर्दोष है, अपनी फूंकों से हमारी जिंदगी का चिराग बुझा देना चाहती है। मैं तो अपनी फूंकों से अपनी ही जिंदगी का चिराग बुझा देना चाहती हूँ। नागन, तुझे मौत भी नहीं आती। मुझे मार दीजिए, मेरा गला घूम दीजिए। तू खुद बहुत मर जाएगी, हम समझ गए तुझे किस तरह मौत आएगी। गरीब लड़कियां अमीर लड़कों से इसलिए मोहब्बत का ढोंगरा चाहती हैं। ठाकुर साहब, मेरी मोहब्बत की कीमत आपकी आन बान और आपकी इज्जत से बहुत ज्यादा है, लीजिए। दौलत की भूख अमीरों को होती है, गरीबों को नहीं। लड़की अपने बाप की तरह बोलना खूब जानती है। इंदर, हमने तुम्हें इस पक्षी का चौधरी बनाया है और तुम इस लड़की को घर में ले आए हो जो हमें रखना चाहती है। हजूर, इसका दुनिया में कोई नहीं है। इस मुसीबत से लड़की को बेटी बनाकर मैंने अपने सीने से लगा रखा। कान खोल कर सुन लो, अगर तुमने इस लड़की को बना दी तो हम बहुत बुरे पेश आएंगे, समझे? ऐसा न चाहिए था तो साहब, बेसहारे को सहारा देना कोई जुर्म नहीं है। इंदर, चुप रहो, हम आज ही देख लेंगे। बाबा, नहीं बेटी, मैं तुम पर कोई आसरा नहीं दूंगा, मेरे दम के साथ है बेटी।
Thank you.